हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस, और सोशल साइंस में आज हम लोग एक आपका मॉडल, आपका सैंपल पेपर हम लोग आपका करने जा रहे हैं। और इस मॉडल सैंपल पेपर में हम आपका बेसिकली ग्लोबलाइजेशन और आपका लिबरलाइजेशन और आपका प्राइवेटाइजेशन पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसी पर पूरा फोकस होगा ये हमारा मॉडल पेपर। ठीक, चलिए। तो अगर कल के में कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है जो हमने कल लास्ट कराया था, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो सीधा हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए सबसे पहले इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसी पर हम लोग आपका विचार करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि पिछले कुछ वर्षों में बाजार में आए परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो जो कुछ परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों पर, जो हमारे बाजार में कुछ आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वो चेंजेस पर हमको टिप्पणी करनी है। और उन टिप्पणी करके एक एक करके उन सबको हमको गौर करके देखना है कि क्या परिवर्तन हमको इसमें बेसिकली आपका दिखाई दे रहे हैं। बहुव्यापी विकल्पों का बढ़ना, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, विज्ञापनों पर व्यापक विस्तार आदि। ठीक, तो ये ऑप्शन है, आप इनको करिए। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की नीति किस प्रकार विकसित देशों के पक्ष में और विकासशील देशों के प्रति अन्यायपूर्ण है, इसको हमको देखना है। और इसी में हमको आपका बात करना है और इसी में आपको गौर भी करना है। देखिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आप इन दोनों प्रश्नों को कॉपी करिए। जैसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करना, उनका पालन करवाना है। यदि यह सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, किंतु विकसित देशों में अभी भी व्यापार अवरोधक को बरकरार रखा गया है, जैसे कृषि उत्पाद के व्यापार पर विकसित देशों में किसानों को व्यापक सब्सिडी देता है। दूसरा पक्ष यह है कि किस समान व्यापार की शर्तें होने पर विकास बावजूद विकासशील प्रौद्योगिकी व पूंजी के अभाव के कारण प्रतिस्पर्धा में पिछड़ा है, जो अंत में विकासशील देशों के नुकसानदेह और आपका फायदे में रह सकता है। निके नुकसान वाला भी हो सकता है और आपका लाभ देने वाला भी हो सकता है। ठीक, ये हमको इसमें देखना है और इन पर हमको आपका बात करनी है। तो दोनों को आप कॉपी करें, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। आप साथ में कॉपी करते चलिए, इनको पढ़ते चलिए, WTO के जो महत्व हैं उनको देखते चलिए। कोई भी डाउट बनता है पूछिए। और मैंने आपको पहले भी जैसे कई बार बताया भी है और मैंने आपको समझाया भी है कि जो WTO है उसके महत्व क्या हैं, क्यों जरूरी है और कैसे ये हमारे विश्व व्यापार संगठन को प्रभावित कर रहा है। ठीक, उसी पर हमने बहुत सारी बात भी की थी। देख लीजिए इसको पूरा अच्छे से, कोई कहीं भी डाउट बन जाए मुझसे पूछिएगा जरूर। WTO वाला क्वेश्चन पूरा देख लिया, ऊपर वाला क्वेश्चन आपने कर लिया, देख लीजिए इसको। देख लिया, चलिए अगला है, वैश्वीकरण सभी के लिए लाभदायक नहीं है, न्याय संगत वैश्वीकरण के क्या कदम उठाए जा सकते थे, यानी कि सबके लिए ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हो ये जरूरी नहीं है। अगर वो जस्टिस पूर्ण है तो ग्लोबलाइजेशन के क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसको पूछ रहे हैं। देखिए, देख लिया, देखिए आज के समय में वैश्वीकरण एक सच्चाई है, किंतु शिक्षा, कौशल और संपन्न लोगों में इसके लिए नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया गया है। दूसरी ओर अनेक लोग जैसे ग्रामीणों, मजदूरों, अशिक्षित आदि को इसके लाभ का हिस्सा नहीं मिला है।
वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत बनाने के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि श्रम कानून का उचित क्रियान्वयन हो, श्रमों को अपनी जायदाद अधिकार मिले, छोटे उत्पादकों का निष्पादन करने में सुधार हेतु सरकारी मदद प्रोत्साहन मिले, प्रतिस्पर्धा बढ़े, विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों का वर्चस्व के विरुद्ध समान विकासशील वाली लड़ाई मिले, लड़ाई हो तो समानता मिले, उद्योग व अन्य विकास में अधिग्रहण करें जीने वाली जमीन को न्याय संगत आपका मुआवजा आदि मिले। तो ये सारी चीजें जो हमको देखनी है। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। और इसमें है सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि श्रमिक कानून को उचित क्रियान्वयन और आपका श्रमिकों को अपने जायज अधिकार मिले। सेकंड में छोटे उत्पादों को कार्य निष्पादन हेतु सरकारी मदद व प्रोत्साहन मिले जिसे प्रतिस्पर्धा बना रहे। और तीसरा है विश्व व्यापार संगठन के लिए विकास विकसित देशों का वर्चस्व समान हित वाले लोगों को लड़ाई मिले। और चौथा है कि उद्योग में अन्य में अधिकृत की जाने वाली जमीनों को न्याय संगत आपका समझा जाए। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला देखिए, वैश्वीकरण के फलस्वरूप बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय लोगों को क्या लाभ हुआ है। कह रहे ग्लोबलाइजेशन से जो कंपटीशन आपका बढ़ा है, जो लोगों में प्रतिस्पर्धा है, उससे भारतीय लोगों को क्या लाभ हुआ है, बताइए, गौर करिए आप। तो आप क्या कहेंगे कि उपभोक्ताओं के पास उचित एवं व्यापक विकल्प, गुणवत्ता में वृद्धि, रोजगार के नए अवसर, प्रतिस्पर्धा मूल्य एवं वस्तु सेवा की उपलब्धता, तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्या हुए हैं उसके लिए बड़े, जो आपका ग्लोबलाइजेशन की ही देन है, जिसकी वजह से ये नए सेक्टर हमारे सामने आ रहे हैं। अगला देखिए, विश्व में वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं पड़ता है क्योंकि आधुनिक संसाधनों की असमानता की उपलब्धता है, असमान वितरण है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति एकाधिकार होने में विज्ञापनों एवं प्रचार में भ्रम फैला जाता है। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया पांच नंबर का क्वेश्चन कि विश्व में वैश्वीकरण के प्रभाव का एक समान क्यों नहीं है पूरी दूसरी जगह। अगला क्वेश्चन है कि सरकार वैश्वीकरण की ओर अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार क्या चाह रही है कि और अच्छा हो जाए ग्लोबलाइजेशन, तो कानूनों का पालन करना, श्रमिकों का अधिकार, छोटे उत्पादकों में सुधार और सरकार की मदद बनाने में संगठन, ये सारे आपके विचार हैं और इन सबको इसमें आपका देखना है। देख लिया, आपके विचार में किन कारणों ने वैश्वीकरण को संभव बनाया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, तीर कंप्यूटर, कंप्यूटर इंटरनेट, टेलीफोन जैसी चीज ने इनको प्रभाव बनाया। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश प्रत्यक्ष क्यों हटाया गया है, इसको प्रत्यक्षता को हटाने के बाद क्यों हटाया गया था, इस सारे कारणों को हमें इनमें गौर करके देखना है, एक एक करके देख लीजिए। तो आप कहेंगे रोक क्यों लगाती है, तो उत्पादकों की सुरक्षा हेतु तीव्रता से विकास के लिए प्रतिबंध क्यों हटते हैं, ताकि उत्पादकों में सुधार में प्रदर्शन हो, गुणवत्ता में सुधार हो, अच्छी तकनीकी का प्रकार हो, रोजगार के अवसर मिले, सस्ते सामान उपलब्ध हो, ये सारी चीजें हैं जिनके कारण ये सारी चीजों को हम अच्छे से गौर करके एक एक करके इनको देखते हैं और इन पर बात करते हैं। क्लियर है, ये हमको देखना होता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में वैश्वीकरण जारी रहना चाहिए, आपके विचार में आज से 20 साल के बाद विश्व कैसा होगा, अब बताइए, क्या आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन इस तरह से ही बरकरार रहना चाहिए, अगर रहेगा तो आने वाले 20 साल के बाद ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे आप इनको विचार करेंगे, कैसे इनको देखेंगे, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन इनको देखिए, भारत की नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो पता होना चाहिए 1991 में। बहुराष्ट्र कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं, तो अपने
अधिक लाभ के लिए, ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा हो, इसीलिए वो क्या करती हैं, अपना दूसरे राष्ट्रों में अपना ऑफिस खोलती हैं और वहां अपना काम करती हैं। ठीक, चलिए तो ये आपको ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चन को करिए, पढ़िए। अगर यही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको देखिए। अगर मिल जाए कि क्या कंपनियां हैं, कि बहुराष्ट्रीयां, बहुराष्ट्र कंपनी क्या बोलते हैं हम, एमएलसी कंपनी बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछ ले बहुराष्ट्र कंपनी के क्या उद्देश्य हैं या क्या लाभ हैं, तो आप कैसे आंसर लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, बताइए आप मुझे। क्लियर हुआ बच्चों, दोनों ऑप्शन हो गए आपके, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ड ने 1700 करोड़ रुपए की लागत से अपना संयंत्र स्थापित किया, यानी कि अपनी फैक्ट्री बनाई फोर्ड ने, तो कहां बनाई है वो आपका, चेन्नई में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, ये हमको देखना है, कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है ये हमको देखना है। तो देखिए ऑप्शन होगा इसका, आयात पर कर बढ़ाना, क्या विशेषता नहीं है, आयात पर कर बढ़ाना विशेषता नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिमाण होगा, तो क्या होगा, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता, उपयोगिता, प्रतियोगिता करोगे आप, कॉम्पिटिशन करोगे, तो वैश्वीकरण से लोग आपस में जुड़ेंगे और यही रिजल्टेंट है। वैश्वीकरण को हम लोग क्या चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटर के रूप में, हम कॉम्पिटिशन के रूप में ही तो आपका देखते हैं, करिए इसको कॉपी। देख लिया, विदेशी व्यापार तो किन किन के बीच में होता है, तो यह है दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है, किसमें होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। ठीक, करिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन को हम इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है, यह हमको देखना है। चलिए तो आंसर हो जाएगा, यह केवल अपने देश के श्रमिकों पर ही काम में लगती है, यह केवल अपने देश के श्रमिकों को ही काम पे लगाती है, ऐसा नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी कहीं भी किसी को भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल उन्हीं को लगाएंगे। आगे बढ़िए, सेज क्या है, सेज जल्दी बताइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, व्याम, निर्यात, क्या है, तो आपको पता है सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लिखिए इसको। आगे बढ़िए, सेज के बाद, निम्न में से कौन सा भारत का निर्यात नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो भारत जिसमें आपका निर्यात नहीं करता है, ये हमको देखना है। तो इसमें चाय का भी करता है, कॉफी का भी करता है, तंबाकू का, लेकिन जो आपका फर्टिलाइजर है हम लोग इसका नहीं करते, बल्कि हम इसका क्या करते हैं, आयात करते हैं। कहां से मंगाते हैं, यूएस से, रशिया से, इजराइल से, फ्रांस से, जर्मन से, खास करके फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, ठीक, ये सारी चीजें मंगाते हैं। लास्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ है, तो वो है बच्चों कृषि को सबसे कम आपका लाभ अगर हुआ है, तो इस ग्लोबलाइजेशन में वो एग्रीकल्चर ही है जिसको आपका सबसे कम प्रॉफिट हुआ, बाकी सब इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से आपका लाभ कमाए हैं और सबको बहुत अधिक इसमें लाभ भी हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इनको गौर कर देखेंगे, आप इन पर विचार करेंगे, आप इनको करिए तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज आपने इसके कुछ ऑप्शन क्वेश्चन को देखा, कुछ बड़े क्वेश्चंस को भी हमने देखा कि किस तरह से आपका ग्लोबलाइजेशन और आपका लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन भी हो गया, हमारे कुछ मॉडल पेपर भी हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी हमने देख लिए, किस प्रकार के क्वेश्चन है और कैसे उसकी आंसर हमको लिखना है ताकि हम बोर्ड में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें, इन विषयों की एक अच्छी सी हमको जानकारी मिल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।